बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अकीला यामीन। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि घर में शकरकंदी किस तरीके से बनाई जाती है और इसके साथ जो इमली की चटनी सर्व की जाती है वो किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। शकरकंदी को बनाने के डिफरेंट वेज़ हैं, लेकिन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी किस तरीके से शकरकंदी को स्टीम किया जाता है और साथ ही साथ शकरकंदी को अच्छे से वॉश करने का क्या तरीक़ेकार होता है। तो फुल प्रोसीजर के साथ ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ये 1 kg ली है शकरकंदी और इसको सबसे पहले तो हम वॉश कर लेते हैं। तो वॉश करने का इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर पानी भर लिया है और इसके अंदर मैंने शकरकंदी को डिप कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे अभी वॉश नहीं करेंगे, इसको डिप करके हम 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूँगी। तो 15 मिनट हो गए हैं इसे पानी में डिप किए हुए और 15 मिनट बाद हम इसको इस तरीके से अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के वॉश करेंगे ताकि इनकी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए। इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है, अगर हम इसको फौरी तौर पे वॉश करते तो इस तरीके से मिट्टी सही तरीके से नहीं निकलती और जब हम इसको पानी में डिप करके रखते हैं तो मिट्टी जो है वो फूल जाती है और बहुत ईजी तरीके से निकल जाती है। तो सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा इस तरीके से अच्छे से वॉश करेंगे और एक स्टेनर में रख देंगे और फिर मैंने एक बाउल का जो पानी है उसे ज़ाया कर दिया है और दोबारा से बाउल को साफ़ पानी से फिल कर दिया है। फिर से हम दोबारा से वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, यानी कि शकरकंदी को फिर से हम पानी से अच्छे से वॉश करेंगे और हाथों से आपको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना है। और घर में हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसका सबसे बड़ा मेन फ़ायदा तो यही होता है कि घर में साफ़ सुथरे तरीके से और हेल्दी तरीके से बनाई जाती है। ये प्रोसीजर मैंने 3 दफ़ा रिपीट किया है, यानी कि मैंने इसको 3 दफ़ा पानी से अच्छे से वॉश किया है, लेकिन वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने आपके साथ सिर्फ 2 दफ़ा का प्रोसीजर शेयर किया है। तो 3 दफ़ा पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम शकरकंदी के जो ये एंड्स हैं इन्हें कट कर देंगे। तो इसके एंड हम लाजमी कट करेंगे, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जब हम इसे स्टीम करेंगे तो छिलका उतारने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और सेकेंड ये कि इनको हम अच्छे से वॉश भी कर लें तो इनके जो एंड्स हैं वो सही से ठीक तरीके से साफ़ नहीं होते, तो हम इन्हें कट कर देंगे। तो मैंने पैन के अंदर ये इस तरीके से सेट कर दी हैं, इन्हें हमें स्टीम करना है। फ्लेम को मैंने अभी ऑन नहीं किया है और अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी हमें सिर्फ 1 गिलास ही ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे बॉयल नहीं करना, सिर्फ स्टीम देनी है। तो मैंने इसे कवर कर दिया है और अब आप देख सकते हैं कि इसका जो लिड है इसके अंदर एक होल दिया हुआ होता है, को भी कवर कर देंगे। मैंने एक फॉइल का पीस लिया था और इसे मैंने इस तरीके से इसके अंदर फिल कर दिया है। इसे लाजमी क्लोज कर देना है। अगर आप कोई और पैन यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर अगर आप वेट रख सकते हैं तो वेट रख दीजिएगा, या फिर आप किसी कपड़े की हेल्प से भी इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं, बस इसकी स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मेन मकसद हमारे से स्टीम देना है। तो शुरू के 5 मिनट तक हम इसे लो टू मीडियम हीट पर रखेंगे ताकि जो इसके अंदर हमने पानी ऐड किया है उसकी अच्छी सी स्टीम बन जाए और 5 मिनट बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जब तक शकरकंदी स्टीम हो रही है हम इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी के लिए मैंने इमली का पल्प लिया है। इमली मैंने 1 कप ली थी और इसे मैंने 1 गिलास गर्म पानी के अंदर 15 मिनट के लिए डिप कर दिया था, सोक कर दिया था। तो 15 मिनट बाद मैंने इसके सीड्स अलग कर दिए थे और इसे एक दफ़ा मैंने स्टेनर से गुजार दिया था। तो ये इमली का पल्प हमारे पास तैयार है और अब हम इसे एक पैन के अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही साथ जिस बाउल के अंदर मैंने इमली का पल्प लिया था इसी के अंदर मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है, ये भी हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से जो इमली का पल्प भी लगा हुआ था बाउल में वो भी ज़ाया नहीं होगा। और अब मैंने फ्लेम को मीडियम हीट पर ऑन कर दिया है और अब हम इसे बॉयल आने तक पकाएंगे। तो जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ जाएगा हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टेबल स्पून। नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा भुना और कुटा हुआ 1/2 टेबल स्पून और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे मीडियम हीट पर। तो चटनी जो है वो थोड़ी सी हमारी थिक हो गई है। अब हम इसे अच्छी सी कंसिस्टेंसी देने के लिए इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तो कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है 1 टीस्पून और इसे मैंने डिसॉल्व कर लिया था 2 टेबलस्पून पानी के अंदर और इसे हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हम इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम हीट पे। तो ये हमारी इमली की चटनी तैयार हो गई है। यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे शकरकंदी के साथ। शकरकंदी भी हमारी स्टीम हो गई है, अब हम इसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं।
तो ये देखिए मैंने इसके अंदर स्टिक से इस तरीके से चेक किया है, आप भी किसी भी नाइफ से या इस तरीके की स्टिक से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए अंदर बहुत अच्छे से पास हो रही है, यानी शकरकंदी जो है वो बहुत अंदर तक अच्छे से टेंडर हो चुकी है। तो अब हम इसे पैन से निकाल लेंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो अब हम इसको पील ऑफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका पील कितनी इजीली तरीके से उतर रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अंदर से टेंडर भी हो चुकी है और बहुत अच्छे से कुक्ड हो चुकी है। तो आपको स्लाइस में कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो रही है और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, बहुत अच्छे से स्टीम हुई है। तो शकरकंदी को सर्व करने के दो तरीके हैं। ऑप्शन नंबर वन ये है कि आप इसे इसकी इमली की चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत मज़े की लगती है और इससे गला भी ख़राब नहीं होगा। और कच्ची इमली से गला ख़राब होता है, पकी हुई इमली से गला ख़राब नहीं होता। तो आप इसे लाजमी बनाएं और इसे ट्राई करें। और दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि आप इसे चाट मसाला और लेमन के साथ सर्व करें, ये भी बहुत अच्छा तरीका है इसे सर्व करने का। और शकरकंदी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, बेशक अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ ही फ़ायदेमंद है। और अल्लाह ताला ने हमें नेमत अता की, हम इसका यूज़ नहीं करते, इसे आप यूज़ करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। और इसके अंदर विटामिन ए मौजूद होता है जो आपके हेल्दी विजन को सपोर्ट करता है और ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं इसमें। मैंने आपके साथ यहाँ सिर्फ कुछ ही फ़ायदे शेयर किए हैं, इसके और भी बहुत सारे फ़वाद हैं। तो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और आगे भी शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।